का स्वागत है। अजमेर से खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी की नामांकन सभा और चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ लोगों से की वोट की अपील। चौधरी ने अपनी पगड़ी को पैरों में रखकर वोट की अपील की। और देखिए सबसे बड़ी तस्वीर होती है और राजस्थान में पगड़ी दरअसल मान और सम्मान का प्रतीक है। मैं प्रणाम स्वीकारा, माँ की प्रणाम स्वीकार करो और मैं अपना ही कहो चाहूँ क्योंकि लंबो भाषण आपकी उम्र खूब दे दिए भाषण और आप लोगों ने आई कहो है कि 34 लीटर की दूध डेयरी शुरू की थी आप बेहतर आज 5 लाख लीटर दूध आ गई डेयरी में और डेयरी बेहतर में न बनी दिया सुरसरों जो है मकरानी दूध जाते हो चाहे गाँव में भोपाली ढोल ड्रम या दूध खरीदता और चरीमा विमा बाल्टी में आग नहीं बोलता और यूँ करता देखा तो था तो 8 लीटर को दूध 8 लीटर का दूध था आपका। बुजुर्ग आदमी जानते हैं बेहतर से पहले आपका 8 लीटर में दूध नहीं लेते थे आपका जो है कोई तो कितने कितने कहते तो सर पानी पीते 40 रुपया ले हम तो ले जा बाढ़ जाओ उस दूध की कीमत आज हम पूरे अजमेर जिले में औसत 50 रुपए लीटर मिल रहा है 50 पैसे मिलते थे आपको 50 रुपया में दूध योड़ा थे बुजुर्ग बैठा आज 50 रुपए लीटर औसत रेट है और लंपी और कोरोना में आपने देखा होगा कोरोना के समय लंपी आ गई आपको 58 रुपए लीटर पैसे दिए 9 रुपए पेट इसलिए दिए कि चारे की रेटें बढ़ गई तो डेयरी में मैंने जिंदगी मेरी खपा दी अब खेलिया भाई विकास जी हमारे सामने प्रतिनिधियों का बारह में तो मैं तो आई क्यों महाभारत की लड़ाई चल रही अभी मैं जो है कोई विद्वान बैठ गया एक पाड़े युधिष्ठिर एक पाड़े वो दुर्योधन बैठो तो पूछो वो दुर्योधन तो हमेशा ही ना गाड़े काटे युधिष्ठिर ना तो युधिष्ठिर जी थे पाछे गाली ना काटो यार युधिष्ठिर क्यों कहो सो दुर्योधन कहो मुझसे न कहा जाए तो मेरे विपक्षी उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 8.5 बीघा जमीन है सिर्फ और 8.5 बीघा जमीन में मेरे सामने वाले प्रतिनिधि का फार्म हाउस होगा मतलब मकान बना हुआ होगा बैंक में मेरे 50,000 रुपये सिर्फ मेरी कोई साइकिल नहीं तांगा नहीं गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं ना कार नहीं कोई वो किसी गाड़ी बोल रहे हो बड़ी गाड़ी है ना 40-50 हज़ार की फॉर्चुनर नाम ही नाम तो बैठ में तो आते बात तो ये भी नहीं मेरे पास मेरी कोई होटल नहीं कोई फार्म हाउस नहीं है